हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीसी ट्यूटोरियल। आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमारा एवरीडे वोकैब का सीरीज चल रहा है और हम रोज़ नई 10 वर्ड लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है, विथ इंग्लिश और हिंदी की एग्जाम्पल के साथ, है ना। अगर आप हर रोज़ 10 वर्ड सीखते हैं तो महीनों में आपको 300 वर्ड आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। दिन के 24 घंटों में सिर्फ आपको मुझे कितने 7 से 8 मिनट मुझे देना है, ठीक है, दिन के, प्लीज। और इतने में आपको सिर्फ एक वीडियो देख के आपको याद हो जाएगा कि वर्ड आज का क्या क्या था। तो उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको रोज़ नोटिफाई हो जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जिन जिन दोस्तों आपके इंग्लिश में उनकी दिक्कत है तो उनको भी शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि जब आप भोका पर आप स्ट्रांग हो जाओगे तब इंग्लिश भी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं सिर्फ 10 वर्ड लेके आता हूँ दिन के, और एक दिन में 10 वर्ड याद करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा वर्ड भी नहीं बताता हूँ, सिर्फ 10 वर्ड का वीडियो होता है हमारा। और नीचे ये जो हमारा है टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक इसका मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। क्यों आप ज्वाइन करोगे? क्योंकि PPT PDF फाइल हो गया आपका, और भी कई सारे नोट्स, ठीक है, बिल्कुल फ्री पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर हमारे, ठीक है। तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो क्या बोलते हो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, आज का पहला वर्ड क्या है? आज का पहला वर्ड है फेज। फेज का मतलब क्या होता है? लाना, ठीक है। फेज का मतलब होता है लाना। एग्जाम्पल क्या है? ए सिंगल स्किन हैज बीन नोन टू फेज 400। एक त्वचा को 400 लेने के लिए जाना जाता है, ठीक है। किन मतलब क्या? त्वचा। फेज मतलब लाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फीवर, ठीक है। फीवर का मतलब क्या होता है? बुखार, ठीक है। फीवर का मतलब होता है बुखार। हिज गेज वाज फीवर्ड बट स्टेडी। उनकी निगाहें बुखार से भरी लेकिन स्थिर थी, ठीक है। उनकी निगाहें बुखार से भरी लेकिन स्थिर थी। स्टडी मतलब स्थिर, फीवर मतलब बुखार। आ गया समझ में? नेक्स्ट वर्ड क्या है? यू एड्स, ठीक है। यू एड्स मतलब क्या? कुछ गज, ठीक है। फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ गज। दे कैन ओनली फ्लाई ए फ्यू यार्ड्स एट ए टाइम, ठीक है। वे एक बार में कुछ गज ही उड़ सकते हैं। वे एक बार में कुछ गज ही उड़ सकते हैं। फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ गज। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब क्या होता है? फील्ड्स का मतलब होता है खेत, ठीक है, खेत होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। इन द डिजर्ट फील्ड्स दे मेड ए गुड टाइम। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान के खेतों में उन्होंने अच्छा समय बिताया, ठीक है। खेतों में, रेगिस्तान के खेतों में उन्होंने अच्छा समय बिताया। फील्ड्स मतलब खेत, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है फायर क्ले। फायर क्ले का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से, ठीक है। फायर क्ले का मतलब होता है बुरी तरह से। द अदर वॉच फॉर्मिंग फायर क्ले, ठीक है। दूसरा बुरी तरह से भौंक रहा था, बुरी तरह से भौंक रहा था। फ्रोइंग मतलब क्या? भौंकना। और फायर क्ले का मतलब होता है बुरी तरह से। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फाइट। फाइट मतलब क्या? लड़ाई। फाइट का मतलब होता है लड़ाई। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर ए फाइट। मैं हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हूँ, ठीक है। फाइट, मैं हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हूँ। फाइट मतलब लड़ाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फाइनली। फाइनली का मतलब क्या होता है? आखिरकार। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। फाइनली ही पुल्ड अवे, आखिरकार वो दूर हो गया, ठीक है। आखिरकार वो दूर हो गया। फाइनली मतलब आखिरकार। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फाइंड। फाइंड मतलब क्या? पाना, ठीक है। फाइंड मतलब पाना। यू विल फाइंड देम यूजफुल। यू विल फाइंड देम यूजफुल। आप उन्हें उपयोगी पाएंगे,
यूजफुल मतलब उपयोगी, आप उन्हें उपयोगी पाएंगे। फाइन मतलब पाना या ढूंढना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक, ठीक है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और क्या है एग्जाम्पल? देट वुड बी फाइन विथ मी, देट वुड बी फाइन विथ मी, यह मेरे साथ ठीक रहेगा, है नहीं? यह मेरे साथ ठीक रहेगा, फाइन का मतलब होता है ठीक। और आज का लास्ट वर्ड क्या है फ्रेंड्स? आज का लास्ट वर्ड है फिनिशिंग टच, ठीक है। फिनिशिंग टच का मतलब क्या होता है? अंतिम चरण, ठीक है। दे कैन बी ए ग्रेट फिनिशिंग टच टू एनी रूम, दे कैन बी ए ग्रेट फिनिशिंग टच टू एनी रूम, वे किसी भी कमरे में एक बेहतरीन अंतिम चरण से अंतिम चरण हो सकते हैं, ठीक है। फिनिशिंग टच का मतलब क्या होता है? अंतिम चरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहीं पर आपका 10 वर्ड खत्म हो गया है, ठीक है। अगर आपको सारी वर्ड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों में शेयर भी कर लेना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। और आपका PPT फाइल हो गया, PDF फाइल हो गया, और इम्पोर्टेंट नोट्स सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पर। मैं फिर कल आऊँगा नए दोस्त के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक यू।